दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो गांव से दूर, जो किसी मजबूरी के कारण शहर में आकर काम करती थी। एक दिन उस गांव में उसके साथ एक ऐसा घटना घटी जिसके वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर शहर में आकर बस गई। आखिर उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, चलो जानते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, एक 24 साल का लड़की जिसका नाम जस्मिन है, जस्मिन गांव छोड़कर शहर एक छोटे से कंपनी में HR में काम करती थी। कंपनी में जब भी कोई छुट्टियां होती थी तो जस्मिन शहर की भीड़भाड़ से दूर गांव जाना पसंद करती थी, क्योंकि उसे गांव में जो खुशियां मिलती थी वो खुशी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। जस्मिन अपने मजबूरी के कारण शहर जाकर काम तो करती थी, मगर जस्मिन को गांव की कमी हमेशा रहती थी। एक छोटे से गांव में जस्मिन का घर था जो कि एक छोटा मोटा झोपड़ी जैसा था। जस्मिन का घर जंगल के बिल्कुल नजदीक था, जिसके वजह से जंगली जानवर भी कभी कभी जस्मिन के घर आ जाते थे। ये सब होने के बावजूद भी जस्मिन को अपना गांव बहुत ज्यादा पसंद थी। एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके वजह से जस्मिन अपना गाँव जाना ही छोड़ दिया। एक दिन कंपनी किसी त्योहार के वजह से अचानक ही 3 दिन का छुट्टी दे दिया। उस दिन जस्मिन काम से थका हुआ घर लौट कर आई और सोचने लगी, 3 दिन का छुट्टी है, वो शहर में रहकर भी क्या करेगी। उसने अपने सारे सामान पैक करने लगी और अपने कार में डालकर गांव की तरफ निकल पड़ी। थोड़ा सा लंबा सफर था, इसलिए जस्मिन को अपने गांव पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुका था। वो अपने घर पहुँचने के बाद सीधा जाकर बिस्तर में सो गई, क्योंकि लंबा सफर ड्राइविंग करके वो आई थी, इसलिए थकान के कारण उसे एक अच्छी नींद आ गई। जस्मिन को हल्का सा नींद ही आई थी कि कुछ समय के बाद अचानक गाड़ी का अलार्म बजने लगा। गाड़ी का अलार्म बजते ही जस्मिन का नींद टूट गई और वो खिड़की से बाहर झांककर देखी कि आसपास कोई भी नहीं था। बिना गाड़ी को टच किए गाड़ी का अलार्म नहीं बज सकता है। फिर भी जस्मिन ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा जो यहां से गुजरते वक्त गलती से गाड़ी से टच हो गया हो, जिसके वजह से गाड़ी का अलार्म बज उठा। उसने अपने पर्स से गाड़ी का चाबी निकाली और अलार्म को ऑफ कर दिया। उसने फिर से सो गई। कुछ ही समय के बाद गाड़ी का अलार्म फिर से बज उठा। जस्मिन बिस्तर में सोते सोते ही अपने हाथों से चाबी निकाली और गाड़ी का अलार्म ऑफ कर दी। इस बार उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि थकान के कारण उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो अलार्म ऑफ करके फिर से सो गई। मगर हैरानी की बात तब हुई, वो अलार्म बंद करके सोने के 10 या 15 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजने लगी। ये तो हादसा नहीं हो सकता है, गलती से एक बार अलार्म बज सकता है, 2 बार भी बज सकता है, लेकिन 3 बार अलार्म बजना ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता है। तीसरी बार अलार्म बजते ही जस्मिन का नींद टूट गया। उस वक्त जस्मिन बहुत ही गुस्से से खड़ी हो गई और बाहर जाकर इधर उधर देखने लगी। वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि कोई मजाक चल रहा है क्या, कौन ऐसा गंदा मजाक कर रहा है, हिम्मत है तो सामने मेरे आओ। जस्मिन ने वहां के आसपास पूरी तरह से देखी, मगर वहां पर कोई भी नहीं था, आसपास कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर जस्मिन को थोड़ा सा हैरानी लगी। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जस्मिन ने सोचा आखिर मेरे साथ इतना घटिया मजाक कौन कर रहा है। जस्मिन इस बात का पता लगाने के लिए वो पर्दे के पीछे छुपकर बाहर देखने लगी, आखिर कौन है, आज मैं उसको पकड़कर ही रहूंगा। ये सोचकर जस्मिन पर्दे के पीछे छुपकर काफी समय तक इंतजार करने लगी। आसमान में चांद की रोशनी पड़ने की वजह से बाहर का नजारा हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय के बाद जस्मिन ने देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक भयानक सी परछाई निकलकर बाहर आई। वो परछाई बहुत ही लंबी और भयानक थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और गाड़ी को अपने नुखेले नाखून पर खरोचने लगी। गाड़ी को छूते ही गाड़ी का अलार्म फिर से जोर से बजने लगा। जस्मिन को यह सब देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अगर कोई इंसान या जंगली जानवर होता तो वो अपना गुस्सा उस पर उतार सकती थी, मगर ये तो कुछ और ही है। ये सब नजारा देखकर जस्मिन के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो चाबी उठाकर गाड़ी का अलार्म बंद कर सके। जस्मिन वो परछाई को देखकर डर के मारे कांप रही थी। जस्मिन ने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे करके उसके घर की ओर बढ़ रही थी। वो चाहती थी कि वो वहां से भाग जाए या फिर जोर जोर से चिल्लाए, मगर पता नहीं क्यों जस्मिन से ये सब कुछ भी हो नहीं पा रहा था। वो अचानक ही एक ही जगह पर चिपक गई थी। उस वक्त जस्मिन के हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था।
वो बुरी परछाई धीरे धीरे जस्मिन की गेट के दरवाजे खोलने लगा। उस वक्त जस्मिन का हाथ पैर काम तो नहीं कर रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। उस वक्त जस्मिन के दिमाग में कई सारे बुरे विचार आ रही थी। वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो क्यों आया है, वो किस लिए आया है, वो मेरे साथ क्या करेगी, इस तरह का बुरे विचार जस्मिन के दिमाग में चल रही थी। जस्मिन बहुत ही हिम्मत करके अपने आप पर काबू पाई और जितने तेजी से वो भाग सकती थी वो दरवाजे की ओर भागी। वो दरवाजा को लॉक करके घर के सारे लाइट ऑन ही करने वाली थी कि जस्मिन ने देखा कि वो परछाई घर के बाहर खड़े होकर खिड़की के अंदर झांक रही थी। घर के अंदर आखिर कोई है या नहीं, ये सब देखकर जस्मिन बहुत हिम्मत करके जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई। कुछ ही समय के बाद वो बुरी परछाई खिड़की के अंदर झांक कर एक अजीब सा डरावनी आवाज करने लगी। वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि शायद ही कोई वो आवाजें सुनकर घर के अंदर चुप रह सके, मगर जस्मिन जैसे तैसे करके अपने आप को बहुत ही हिम्मत से रोक लिया। जस्मिन को पता चल गया था कि वो बुरी आत्मा का मकसद गाड़ी को खरोचना नहीं था, वो बुरी आत्मा तो सिर्फ अपना शिकार को घर से बाहर निकालना चाहता था। वो बुरी आत्मा अजीबो गरीब आवाज करते हुए खिड़की के बाहर खड़ी होकर अंदर देख रही थी कि शायद कोई घर के अंदर है या नहीं। वो बुरी आत्मा का चेहरा इतना डरावना था कि जस्मिन जब भी अपने आंखें बंद करता तब भी उसकी आंखों में वो बुरी आत्मा का चेहरा नजर आता था। काफी समय बीत जाने के बाद जस्मिन ने देखा कि वो बुरी आत्मा उसके घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने देखा कि वो बुरी आत्मा धीरे धीरे घर के फ्रंट दरवाजे को अपने नुकेले हाथों पर धीरे धीरे खोल रहा था। ये सब नजारा देखकर जस्मिन का दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होने लगी। वो कर भी क्या सकती थी। उस वक्त जस्मिन सोच लिया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है, मगर वो हार मानने वाले लड़कियों में से नहीं थी। जस्मिन बहुत ही हिम्मत करके धीरे धीरे एक आलमारी के अंदर छुप गई और अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को पकड़कर बैठ गई। उस वक्त जस्मिन की धड़कन इतना तेज से बढ़ रही थी कि वो अपने दिल की धड़कन को सुन पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो उस जगह पर हार्ट अटैक से मर जाएगी। घर के अंदर क्या हो रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था, मगर उसके कानों पर अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पागल कुत्ता अपने शिकार की तलाश कर रही हो। जस्मिन बहुत समय तक उस आलमारी के अंदर छुपने के बाद उसके कानों पर वो जो आवाजें थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसको वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। कुछ ही समय के बाद जस्मिन बहुत ही हिम्मत करके उस आलमारी से बाहर निकली और घर के चारों ओर देखने लगी, मगर वो परछाई जस्मिन को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। जस्मिन ने सोचा शायद कि वो बुरी परछाई घर छोड़कर चला गया होगा, इसलिए जस्मिन धीरे धीरे खिड़की के पास गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। चांद की रोशनी के वजह से बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जस्मिन को वो बुरी परछाई कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। जस्मिन ने सोचा कि अब वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। और थोड़ी देर के बाद सुबह भी हो गई, सूरज की पहली रोशनी आसमान में निकल आई थी। उस वक्त जस्मिन बहुत ही हिम्मत करके अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपना सामान भी पैक नहीं किया, वो ऐसे ही भागते हुए अपने गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई और वो गाड़ी चालू करके शहर की ओर रवाना हो गया। वो तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक वो शहर नहीं पहुंच जाता। कुछ घंटों के बाद वो शहर अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई थी। वो अपने घर के अंदर पहुंचकर एक लंबी सांस ली और बिस्तर में सो गई। वो अपने आंखें बंद करके बस सोच रही थी कि आखिर वो क्या चीज थी। क्या वो एक भूत प्रेत था, या फिर कोई बुरी आत्मा, या फिर कोई खौफनाक जानवर। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दो दिन बिना सोए थकान के कारण जस्मिन को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। वो पिछले 24 घंटे तक उस बिस्तर पर सोई हुई थी। जब उसकी आंखें खुली तो पिछले रातों की बातें सोचते हुए उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका कोई पुनर्जन्म हुआ हो। जिस इंसान के साथ इतनी बड़ी हादसा हो, इतनी भयंकर रात गुजरा हो, क्या वो गलती से भी उस घर में वापस जाना चाहेगा? नहीं ना, जस्मिन ने भी वैसा ही किया। उस दिन के बाद वो अपने गांव कभी भी मुड़कर नहीं गया, मगर आज भी वो जब भी उस खौफनाक रात के बारे में सोचती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन रात को उसके घर में कौन था। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।